हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग सर्कल के एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल के जो बेसिक फार्मूले होते हैं रिलेटेड टू एरिया, जैसे कि उसमें जितनी भी चीज़ें बनती हैं, अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है तो उसमें सेक्टर होता है, उसके सेक्टर के फार्मूले को हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर, उसके फार्मूले को हम लोगों ने देखा, जो सेगमेंट बन करके तैयार होता है एरिया में उसके फार्मूले को देखा, और जो उसकी पूरी पूरी सर्कमफ्रेंस होती है और जो पूरा पूरा सर्कल होता है सर्कमफ्रेंस की लेंथ हम लोगों ने देखी, और जो पूरा पूरा सर्कल होता है उसके एरिया को देखा। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है, ओके, एक कार का एक ये व्हील है, ये क्या है, ये व्हील है, इसको हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, व्हील, व्हील मीन्स चक्का होता है, पहिया है। तो इस व्हील का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, ओके। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि 10 मिनट में ये व्हील 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, कितने राउंड लगाएगा, ओके, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट, इन 10 मिनट। एक तो ये बात हो गई, और इसकी जो स्पीड दी हुई है, जो भी गाड़ी है, जिस भी गाड़ी का ये पहिया है, ओके, जिस भी गाड़ी का ये पहिया है उस गाड़ी की स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आर। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो डिस्टेंस है, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है, ओके। तो यहां से हम लोग मिनट के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। अब यहां पे ये पूछ रहा है कि ये 10 मिनट में, तो 10 मिनट के हिसाब से निकालना, इसकी डिस्टेंस को पहले निकालेंगे कि एक घंटे में, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 60 मिनट में, ओके, 60 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करता है, तो क्या करेंगे, ये तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, और एक चीज़ ये है कि इसकी जो डायमीटर दी हुई है वो 80 सेंटीमीटर है, जो इसकी डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, तो इसकी डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो कहने मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 60 किलोमीटर है, उसको मीटर में बदल लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, अभी मीटर में हो गया, अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके, 60 मिनट में। अब इस एक मिनट के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक, क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पे 100 होगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 मिनट है इसलिए इसको क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, एक मिनट नहीं सॉरी 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये आ जाएगा। इसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा, कहा ये जा रहा है कितनी डिस्टेंस, यानी कि स्पीड इसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मीटर बदला, और उस मीटर को हम लोगों ने क्या किया, सेंटीमीटर बदला। अब ये 10 मिनट में है तो 10 से हमने गुणा कर दिया, सबसे पहले तो क्या था, घंटा था, 60 मिनट था, 60 मिनट के एक मिनट निकाला, एक मिनट के बाद 10 मिनट निकाला, ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां से ये आ जाएगा, 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना बचेगा, ये बात समझ में आई। अब क्या करना है, ये जो पूरा पूरा पहिया है इसकी जो सर्कमफ्रेंस आएगी, जो इसका पेरीमीटर आएगा, वो पेरीमीटर कितना आएगा, 2πr आएगा, यानी कि एक जो रिवॉल्यूशन होगा वो, यानी किसी भी पहिए का अगर वो राउंड पे है, अगर वो मोशन पे है, तो उसका जो एक राउंड होगा वो 2πr होगा, ओके, और 2πr को पास पास रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 2r, और यही 2r क्या होता है, डी होता है, तो क्या होगा, पाई की वैल्यू को 22/7 रख देंगे, और डी की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर दी है, तो यहां से 80 हो जाएगा, ओके, ये हो गया।
अब इसको इससे भाग कर देंगे, यानी जितनी डिस्टेंस कवर करता है, अगर दो राउंड कवर करता है दो सरकमफ्रेंस, तीन राउंड कवर करता है तीन सरकमफ्रेंस, यानी जितनी उसकी डिस्टेंस निकल करके आ रही टोटल की, जो भी गाड़ी ने कवर की हुई है उसको इससे भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल आएगा, आखिर पहिए ने कितने राउंड, कितने यानी चक्के लगाए, कितने राउंड लगाए। तो इस चीज को जो पूरी पूरी वैल्यू दी हुई है, यानी कि 1000 गुणित 100 गुणित 10 बटे इससे भाग कर देंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ओके, और नीचे आ जाएगा 22 × 80 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काट ले, अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करें, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, दिया हुआ है 22। एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देने वाला है, यहाँ पे 60 नहीं है 66 किलोमीटर पर इसकी जो स्पीड है वो 66 है, ओके 66 है, तो इसे कटेगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा। तो 60 यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा ये, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा ये, तो 22 × 22 = 66, ओके। और यहाँ से 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 20 हो गया, 20 × 20 = 20, 500 हो गया, और इसको इससे काटेंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, और ये 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा कितना, अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 500, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 250, और इसको इससे काटेंगे तो 125। तो ये यानी कहने मतलब है 125 गुणित ये 5 × 7, इसको गुणा कर लेंगे तो ये 7 × 35 हो जाएगा, और 7 × 35 ये 43 × 75 इसका आंसर आ जाएगा, यानी इतने राउंड काटने, इतने राउंड करेगा वो। तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। तो एक बार स्टोरी क्वेश्चन को ये देख लेते हैं कि एक पहिया है जिसका डायमीटर दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, और वो जो पहिया जिस भी यानी जो गाड़ी है उस गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड दी है वहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ये कहेंगे कि वो जो गाड़ी है 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यानी कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, तो 60 मिनट में क्या करती है, 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 66/60 हो जाएगी। अब 10 मिनट में कितनी दूरी तय कवर करती है, तो क्या हो जाएगी, 66/10/60 हो जाएगी। अब वो जो 66 किलोमीटर की जो डिस्टेंस आई है उसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मीटर में बदला, फिर उसको क्या किया, सेंटीमीटर में बदला। मीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, और क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इतना हमने कैलकुलेट करने के बाद जो एक चक्के की जो दूरी आएगी, यानी एक रिवॉल्यूशन जो होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2πr होगी, और r की डिस्टेंस यानी जो यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि डायमीटर 80 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और 2πr होता है तो 2r = d हो जाएगा, यानी π × 80 हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो यहां से कितना आ जाएगा, 22/7 × 80 हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस यानी 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको 2πr से भाग कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 43/75 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ से नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लेंथ दी हुई है मिनट हैंड की वो कितनी दी हुई है, वो दी है 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया, यानी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इतना अपने माइंड में रखेंगे कि हमें एरिया फाइंड करना है, कौन सा एरिया, अगर जो भी जो मिनट हैंड है, ठीक, मिनट हैंड यानी जो कवर करती है, मिनट हैंड के द्वारा कवर करती है, यानी 5 मिनट में, मिनट हैंड वाली जो घड़ी यानी सुई है वो 5 मिनट में
कितना एरिया स्वैप करती है, कवर करती है वो, क्योंकि ये है तो रेडियस। अब यहाँ से इसकी लेंथ का मतलब है कि रेडियस है, ये कितनी दी हुई है, ये 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ से ये थीटा को देखेंगे, ये है थीटा हमारा, तो ये बन किसका रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन रहा है सेक्टर का। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि थीटा अगर दिया हुआ था, अब यहाँ पे मिनट वाली हैंड जो होती है वो, यानी मिनट वाली हैंड एक मिनट में, मिनट वाली हैंड एक मिनट में कितना एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है मिनट। अब यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, पाँच मिनट में, यानी यहाँ से हमें एरिया निकालना है फाइव मिनट का। जरा इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, हिंदी में लिख देते हैं इसको, पाँच मिनट में, मिनट वाली सुई पाँच मिनट में कितना एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले अगर एक मिनट में जो एंगल बनता है वो छः डिग्री का होता है, एक मिनट में छः डिग्री का एंगल बनाती है, तो पाँच मिनट में कितना बनाएगी एंगल, पाँच गुड़ी छः हो जाएगा। जो एरिया बनकर के तैयार होगा उस थीटा की जगह पे कितना एंगल बनेगा, ये है थीटा। ओके, तो कहने मतलब है पाँच हम बाहर कर देंगे और जो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है वो कितना हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 14 दी हुई है, तो यहाँ से 14 गुणी 14 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी है, 6 डिग्री दी हुई है और यहाँ से 360 आ जाएगा। इसको साफ कर देते हैं, ठीक, बात समझ में आई। मिनट वाली सुई के द्वारा पाँच मिनट में कवर किए गए, स्वैप किए गए एरिया को हमें फाइंड आउट करना है इन सर्कल फॉर्म में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 × 14 हो जाएगा, ओके, और यहाँ से 6×6 = 36 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, ये इसको काटेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 2×6 = 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2×3 = 6, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो कहने मतलब जो आंसर आएगा 11×14/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितनी इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से इसको गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 14×14 = 4, हाँ सी लगा 1, 14×14 = 15/3, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ये कह रहा है कि मिनट हैंड वाली एक सुई है, मिनट वाली सुई के द्वारा पाँच मिनट में जो कवर किया जाएगा एरिया, इस तरीके से अगर सुई चल रही है टिक 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 टिक, तो पाँच मिनट में कितना एरिया कवर किया जाएगा, और मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वहीं उसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है कि जो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। अब यहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर की वैल्यू 14 रख देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 6 डिग्री, क्योंकि एक मिनट में मिनट हैंड द्वारा बना हुआ कोण कितना होता है, 6 डिग्री होता है, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, फिगर को ध्यान से देखिएगा सबको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये यहाँ से अगर कोई भी इस तरीके से बना हुआ है, ये एक सेक्टर बना हुआ है और यहाँ से ये एक सेगमेंट है, तो ये एक सेगमेंट है, ये क्या है, सेगमेंट है, ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, ओके। ये यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है और उस थीटा एंगल की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, ये जो दिया हुआ है यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, ओके, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये समकोण है, ये क्या है, समकोण है। अब यहाँ से हमें ये जो ये वाला था, अब यहाँ से जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या है, ये है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ओके, ये मेजर सेक्टर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनर सेक्टर को सबसे पहले यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना, दो चीज़ें फाइंड आउट करना है, जो ऊपर वाला एरिया है ये मेजर सेक्टर, इसे फाइंड आउट करना है, यहाँ से जो बनना है नीचे माइनर सेगमेंट बनना है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 दी हुई है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ और दिया हुआ है, रेडियस यहाँ से दी हुई है 10 सेंटीमीटर,
इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है और बस हमें इतनी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो माइनर सेगमेंट की जो वैल्यू होगी, यानी जो माइनर सेगमेंट होगा उसका जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल जो ट्रायंगल बन रहा हुआ है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल को हम सेक्टर के एरिया में घटा देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, अब यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 90 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, यहां से 9 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो मचौक 36 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये कितना हो जाएगा, 22/7। अगर नहीं रखते हैं तो ये कभी कभी इसकी वैल्यू 3.14 रख देंगे और आर की वैल्यू 10 है तो 10 × 10 हो जाएगा। ओके, और बटे नीचे कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि नचौक 36 माइनस का 1/2। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 sin 90 की आर स्क्वायर, दैट मीन्स 100 × 10 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगर हम दो जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 314 हो जाएगा बटे 4 माइनस का 100। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 200 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा। अब 314 में 200 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 114 बचेगा बटे 4। ये जो हमारा आएगा, इसको अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो नहीं भी काट सकते हैं, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में बहुत बड़ा फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहने मतलब देखो, काटते भी हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 12। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर भाग करेंगे भी तो कितना हो जाएगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 8 तो बचेगा 3, हो जाएगा 34 और 4/32 दशमलव, 4/32 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इस सेगमेंट का एरिया आ गया है, इस सेगमेंट का एरिया आ गया। अब यहाँ से क्या करना, हमें मेजर सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, मेजर सेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ये जो पूरा ये जो सेक्टर की वैल्यू आई हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके एरिया में हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को घटा देंगे सर्कल के एरिया में। तो सबसे पहले यहाँ से सर्कल का एरिया की, सबसे पहले इसको हमें साफ करना होगा। साफ अगर करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि इस जो हमने कैलकुलेट किया इसकी जरूरत है नहीं। तो यहाँ से जो पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये सर्कल का एरिया है, तो यहाँ से 3.14 और 100 × 10 × 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 314 आएगा, ये सर्कल का एरिया होगा। ठीक, अब सर्कल के एरिया में हम सेक्टर के एरिया को घटा देंगे तो जो सेक्टर का एरिया हमारा आएगा, इतना पता है, ये 314 आएगा। अब यहाँ से इस फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कहने मतलब है, इसको भी हटा देते हैं, इस वाले एरिया में, यानी पूरे एरिया में, वृत्त के एरिया में इस सेक्टर के एरिया को घटाएंगे तो कहने मतलब ये है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई है, 314 आई है, इसकी भी वैल्यू 314 आएगी और इसकी जो वैल्यू आ रही थी 4 आ रही थी। ओके, तो कहने मतलब ये है, 314 हमारा कॉमन हो जाएगा, 1 × 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इस वैल्यू को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा 235.5, ये आएगा हमारा मेजर सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है आ जाएगी। तो हम लोगों ने आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन देखे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहीं सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है, कभी एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी, इस टाइम के अंदर हमें इतनी वैल्यू, इतने रिवॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं, कोई भी पहिया चल रहा है तो आधे घंटे बाद यानी कि कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, अगर उस कोई भी गाड़ी अगर दी हुई है, कोई भी ट्रक दिया है, साइकिल दी हुई है, तो वो इतनी देर बाद वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, अगर उस पहिए की लेंथ, इसीलिए बोलते हैं कि अगर पहिया छोटा है
तो रिवॉल्यूशन ज़्यादा होंगे, डिस्टेंस कम होगी। ये हमेशा बात को याद रखना कि किसी भी अगर कोई भी गाड़ी दी हुई है, अगर उसका पहिया का डायमीटर, अगर डायमीटर जितना छोटा होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उतने बढ़ते जाएंगे, पहिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा जितने बड़े डायमीटर का होगा रिवॉल्यूशन कम होंगे, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी गाड़ी की किसी भी पहिए की अगर कोई भी पहिया दिया हुआ, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, तो उसकी डिस्टेंस का जो फ़र्क होता है, इम्पैक्ट होता है, किन किन चीज़ों से रिफ्लेक्ट होता है, तो वहाँ पे क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर किसी भी पहिए का डायमीटर जितना छोटा होगा उसकी डिस्टेंस, कवरिंग डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी, और अगर पहिए का डायमीटर बड़ा होगा तो उसकी कवरिंग डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। तो फिलहाल हम लोगों ने आज इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और चैप्टर से भी रिलेटेड हैं। आगे के जो लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।